देख, मेरे पापा ना पुलिस में, ये पूरा एरिया ना उनके अंडर आता है। दो मिनट में तुझे अंदर करवा दूंगी। अच्छा, इतनी चलती है तुम्हारे पापा की? हाँ बहुत। रुक तुझे दिखाती हूँ। क्या हुआ? गाड़ी का टायर पंचर हो गया, 15 मिनट वेट करो, मैं करवाता हूँ। ठीक है, मैं तब तक बाहर ही वेट कर रही हूँ। यार मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया, तूने कुछ डिसाइड किया है क्या? नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या ही होगा कल। हाय। देखो यार सुनो, कल ना कॉलेज का फेयरवेल है, तो फटाफट कोई ड्रेस सजेस्ट करो। और ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि कॉलेज के सारे लड़कों की नजर ना सिर्फ मुझ पे जाए। तू एक काम कर, तू साड़ी पहन ले। साड़ी? छी, साड़ी कौन पहनता है यार? क्यों, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? देख, साड़ी ना ओल्ड फैशन है, सिर्फ गांव के गंवार साड़ी पहनते हैं। हम मॉडर्न लड़कियों पे ना वेस्टर्न और शॉर्ट ड्रेसेस ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ, वेस्टर्न ही अच्छा लगेगा तुझे। तुझे अपनी हॉटनेस जो दिखानी है लोगों को। वही वो देख। अरे तूने तो कहा था कि गांव की लड़कियां साड़ी पहनती हैं, तो वो कौन है? रिलैक्स गर्ल्स, कोई गांव की गंवार ही होगी। चलो देखते हैं इस गंवार को भी। ओ बहन जी, अपना ना पल्लू संभाल लो, कहीं कोई गिर ना जाए। ओ बहन जी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, गांव की गंवार? अरे यार, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। देख, इस सोसाइटी में ना साड़ी पहनना बैन है, या साड़ी बिल्कुल नहीं पहन सकते, तो तू फटाफट चेंज करके आ। बैन है? पर मैंने तो ऐसा रूल कहीं नहीं सुना। लगता है ये नहीं है यहाँ पर। देख, ये ना हाई सोसाइटी है, यहाँ पे सारे VIPs रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, और हमें ना साड़ी बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन लगती है और ऑकवर्ड भी। तो साड़ी खुद उतारेगी या हम लोग जबरदस्ती करें? देखो, तुम्हें इस तरह से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये इल्लीगल है। देख, मेरे पापा ना पुलिस में, ये पूरा एरिया ना उनके अंडर आता है। 2 मिनट में तुझे अंदर करवा दूंगी। अच्छा, इतनी चलती है तुम्हारे पापा की? हाँ बहुत। रुक तुझे दिखाती हूँ। अरे देखो, मेरे पापा का ड्राइवर भी आ गया। मैम, कार का पंचर ठीक हो गया, चलिए कार रेडी है। अरे तो मेरे पापा का ड्राइवर है ना, तो इस गंवार को मैम क्यों बोल रहा है? आप पागल हो गई हैं? मैम से बदतमीजी करने के इल्ज़ाम में आपको जेल भी हो सकती है। अच्छा, इतनी बड़ी तोप है क्या ये? रुक, मैं पापा को ही कॉल करती हूँ। तुम्हारे पापा मैम के अंडर ही काम करते हैं। मतलब? मतलब ये कि मैम इस शहर की नई जिला कलेक्टर है। जिला कलेक्टर? एक मिनट, मतलब ये वही है जिनका कल इंटरव्यू आया था, और ये मिस इंडिया भी रह चुकी है। जी। यार सो सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। सॉरी मैम, सॉरी मैम। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, उनके पैसे इस तरह वेस्ट मत करो। और रही बात साड़ी की, तो साड़ी हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। अगर इसे पहन नहीं सकते तो इसकी इंसल्ट भी मत करो। और तुम जैसे यूथ की वजह से आज हमारी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। कपड़े तो मॉडर्न तुमने पहन लिए, पर अपनी संस्कृति मत भूलो, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखो। यार सो सॉरी मैम, अब से हम अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति की पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार से किसी को भी ऐसे परेशान किया तो जेल के अंदर करवा दूंगी। सॉरी मैम। चलिए मैम, कार रेडी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो मैसेज भी समझ ही गए होंगे। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी हमारी संस्कृति को भूले ना, अपनी संस्कृति को ना भूले। मॉडर्न ज़माने में हम सब पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, रिस्पेक्ट करें हमारी संस्कृति की, कल्चर की। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है किसी ने आपके पहनावों के देख को मजाक उड़ाया हो? तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। साथ ही हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें।
और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।